यहाँ तो हम सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की रोशनी बिखेरने आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस वागले। हमारी टीम सास बहू और बेटियाँ पहुंची है वागले की दुनिया के सेट पर और यहाँ उन्होंने बताए हमारे साथ कुछ फुर्सत के पल। लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर। मिस्टर एंड मिसेस वागले की नाचती गाती दुनिया। माँ बेटी का सहेलियाना। सीरियल में तो मिस्टर मिसेस वागले अलग अलग कहानियाँ लेकर आते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, लेकिन आज सास बहू और बेटियाँ पहुँच गया है वागले की दुनिया के सेट पर, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई मिसेस वागले का किरदार निभाने वाली परिवार से, जो आज हमें बताएंगी कि फुर्सत के पलों में ये सेट पर क्या करती हैं। इनफैक्ट इनकी पूरी टीम कितना एंजॉय करती है। सुमित राघवन संग सुरों की महफिल जमती है, डांस का तड़का लगता है, अपनी बेटी सखी यानी कि चिन्मयी संग करती है ढेर सारा फन और होता है ढेर सारा हंगामा, वो भी मस्ती वाला। तो आइए जानते हैं सेट का और कलाकारों का हालचाल। सास बहू और बेटिया आज आ गया है वागले की दुनिया में और वागले फैमिली से वंदना वागले हमारे साथ में, यानी कि परिवा हमारे साथ में है। नमस्कार, नमस्कार, हाय। वागले की जो दुनिया है वो कितनी अलग है बाकी दुनिया से? बहुत अलग है। आई थिंक हम लोग यहाँ पे, मतलब हमने तो अपना घर ही बसा लिया है यहाँ पे, अभी तीसरा साल है शो का और टचवुड, बट जो बॉन्ड है पूरे सेट पे सबका, वो आपस में एकदम ऐसे फैमिली वाला बॉन्ड है, तो एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, मतलब पार्टी का ही माहौल रहता है रोज। तो पार्टी तो हम जरूर बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ हमने देखा है कि आपका घर ही मेकअप रूम है और मेकअप रूम ही घर है। बिल्कुल, क्योंकि हम 80% अपना टाइम दिन का यहाँ बिताते हैं, तो घर हम एक्चुअली सोने के लिए जाते हैं, तो यहीं पर हमने अपना घर बसा लिया। जरा ये आपकी जो ये दुनिया है वो आज हमें आप दिखाइए जरा। बिल्कुल, आइए मेरे साथ। ये अंजन जी का मेकअप रूम है, यहाँ भारती जी रहती हैं, यहाँ हमारा स्टाफ गर्मी में रहता है, ये हमारे सेट के बच्चे हैं, यहाँ पे सुमित रहते हैं जो अक्सर, आइए आइए जल्दी, ये देखना चाहिए, वो अक्सर ऐसे पाए जाते हैं। से हाय, चलिए चलिए। मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं, मिल जाए इस तरह लहरे जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह तो लहरे जिस तरह, फिर हो ना जुदा। तो मेरा काम अक्सर यही होता है कि मैं माइक पकड़ती हूँ और ये गाना गाते हैं। जी, यहाँ पे एक बाजा होता है और नीचे बिल्लियों का खाना अंदर भी रहता है, बिल्लियाँ होती हैं, आप देखेंगे बाहर बिल्लियों का खाना रहता है, यहाँ पे बिल्लियों का खाना होता है, कब कुछ बिल्लियों की दवाइयाँ रहती है, कुछ 8-10 बिल्लियां हैं हमारे सेट पे और सेट के बाहर थोड़े डॉग्स हैं, तो उनका इधर से खाना वाना जाता रहता है, दोनों मिलकर बिल्लियों को देते हैं। हां, तो फिर ऐसा है कि अभी पूरी यूनिटी एक्चुअली जानवर प्रेमी हो गई है, तो सब एक्चुअली, और यहां पर किसी के गाना सुनने का मूड, और हां वो आते जाते अगर बजा रहे होते सुमित जी अपना, तो सब आते रहते, अच्छा अभी गाना गाने सुनने का मूड है तो सुनते हैं, फिर अपना चले जाते हैं। Yes, she is the... हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, ये रूम ही बहुत बड़ा हिस्सा है। सुमित राघवन और उनका यहाँ पे कोई भी पार्टी होती है तो यहीं पे होती है, किसी का बर्थडे होता है तो यहीं पे होता है, केक कटिंग यही होता है, क्योंकि इनको गंदगी से बहुत प्रॉब्लम है, तो हमने डिसाइड किया हम रूम सिर्फ इनका ही गंदा करेंगे। और केक का ऑर्डर करने का जिम्मा इन पे होता है, फिर इनके डर से सब साफ भी कर रहे होते हैं बैठ के, अभी चलना है, उससे पहले टिश्यू लेके बैठे होते हैं, खुद ये बेचारे बाथरूम में बैठे होते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि सब मुझे कहते सर आप ही करो ना, तो आप अंदर कमोड पे बैठ जाइए, तो मैं अंदर पॉट पे बैठ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज म्यूजिकल रूम, दिस इज द सेलिब्रेटरी रूम। हाँ, एक्चुअली
गाने तो यहाँ पे मतलब आप बोलो और हाजिर। सुरों के प्रेमी सुमित राघवन ने न सिर्फ छेड़ी सुरों की तान बल्कि अपनी ऑन स्क्रीन बीवी मिसेस वागले संग किया ढेर सारा डांस भी। हमारा आउटडोर आता ही है तो नारियल पानी होता है हमारा। हमारे प्रोडक्शन बहुत ध्यान रखता है उस मामले में। yes, तो टैंग नींबू पानी ये सब वो पिलाते रहते हैं। यहाँ पे स्टाफ के लिए उन्होंने टेंट भी लगाया। हाँ, वो दिखाया मैंने। कूलर्स रखे हुए हैं। सो यस, बहुत ख्याल रखा जाता है। एंड बाकी में बहुत बहुत सख्त मतलब तेज गर्मी है। आई थिंक सबका ख्याल रखना चाहिए। तो वो इसलिए बिल्लियां अंदर रहती हैं, हम बाहर गर्मी में शूटिंग कर रहे थे, बट और ये दरवाजा खुला रहता है, बिल्लियां एसी में सोती हैं भले ही हमारी यहाँ बैठ के उठने के बाद ना हमेशा बाल चिपके रहते हैं क्योंकि पूरा ये बिल्लियों का बिस्तर है। कई बार ये इनके ब्लैक शर्ट वगैरह दी जाती है तो बेचारा ड्रेस वाले लगे रहते हैं। अच्छा सर, आप फर आप पे ऐसे आजकल बिल्लियों जैसे बाल क्यों आ गए आपके? वैसे बट यस, यहाँ पे आने के बाद वाकई में जैसे परिवार ने कहा कि सब प्राणी प्रेमी हो गए हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो अंदर जो सो रहा है उसका नाम है जिंजर और ऐसी इसका कुकी और ऐसी बहुत सारी बिल्लियां वो अभी घूम फिर के फिर आएंगी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए। भाई वाकई गर्मी में कूल कूल रहना तो कोई इनसे सीखे। अब परिवा संग चलते हैं उनके मेकअप रूम में। परिवा अपना मेकअप रूम शेयर करती हैं अपनी बिटिया रानी सखी यानी कि चिन्मयी के साथ क्योंकि इन दोनों का बहुत ही गहरा सहेलियाना है। ऑन स्क्रीन ये माँ बेटी का किरदार निभाती हैं लेकिन रियल लाइफ में दोनों पक्की सहेली हैं। दोनों एक दूसरे का बखूबी ख्याल रखती हैं। फुर्सत के पलों में कैसे टाइम पास किया जाए वो भी इन्हें अच्छे से आता है। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात, जानते हैं इनसे इन दोनों के बारे में, साथ ही खुलेंगे कई राज भी। अंजन जी का रूम का दरवाजा देखा, भारती जी के रूम का दरवाजा देखा, सुमित का हमने रूम देखा और उनकी उनका हारमोनियम उनकी पेटी देखी। अब हम जा रहे हैं हमारे घर में यानी कि मेरे और सखी के रूम में। हेलो, लुक हूज कम, आइए आइए। सो ये हमारा मेकअप रूम कम हमारा घर है जहाँ पे हम अक्सर पाए जाते हैं। साल के 365 में से 360 डेज हम यहाँ होते हैं ज़्यादा हो रहा है। और अभी जब मैं आपको ला रही थी ना तो चुपचाप से चिन्मयी पीछे से सफाइयाँ कर रही थी ताकि कि सारी मिर्ची लाइट उसने ऑन की है, ऊपर लैम्प ऑन किया है ताकि आप लोगों को लगे कि हम कितने साफ रहते हैं। ये मेरे बर्थडे पे एक्चुअली मेरे रूम को डेकोरेट किया था तो ये है। ये हम दोनों का फोटो के अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स के फोटो थे वो हमने हटा दिए। As we are very welcoming, तो जब हम रूम में नहीं रहते तो ये फोटो इसलिए वो दरवाजे की तरफ देख रहा है फोटो। आइए 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 आइए। तो ये हमारा वो बेड है जिसपे भी हम अक्सर पाए जाते हैं। हाँ, मैं आती हूँ अगर इसको ब्रेक मिला है तो ये मैडम मतलब मुझे अगर गैप मिला सीन का तो मैं कुछ भी करूँगी बट सोऊंगी नहीं। इसको अगर 15 मिनट का भी गैप मिला तो ये ऐसे स्विच ऑफ की तरह सोती है कि अभी ये स्विच ऑफ हो गई है। बात करते करते जैसे मतलब मैं बात करी सडनली अच्छा सो गई। वो है ये मैडम। हमारा बॉन्ड हमारे लुक टेस्ट के दिन ही शुरू हो गया था जब मैडम ने मुझसे पूछा था कुछ खाने को है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है और हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे बट मैं हमेशा बिस्किट के पैकेट्स कैरी करती हूँ जनरली जानवरों के लिए। मेरे चिन्मयी नाम का जानवर आ गया। तो उस दिन ही जितने इनोसेंटली इसने मुझसे पूछा ना कुछ खाने को है क्या तो बस मेरा ऐसे दिल मेल्ट हो गया। मैं पहले शुरुआत का ब्रीफ देती हूँ। मुझे एक
कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट थी तो उसने बताया था कि नहीं वो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो मेरा ऐसा हुआ कि शिट यार, मेरी माँ का रोल करने वाली भी बहुत स्ट्रिक्ट है और भूख भी इतनी लगी थी, बोला दूसरे किसी से मांगने से अच्छा इनसे ही मांग लेती हूँ पहले. तो मारेगी ज़्यादा भूख लगी कुछ है आपके पास. सो उस टाइम से हमारी बॉन्डेड. उसके बाद आई थिंक इट वॉज 2020 दिसंबर. दिसंबर में वी मेट एंड 2021 तक तो हम एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते थे. तो फिर वैसा ही हो गया था. फिर हम दोनों बैठ के इनिशियली जब हम किसी को उतना नहीं जानते थे लोगों को, तो मैं और चिन्मय बैठ के सिर्फ बिचिंग कर रहे होते थे कि ओके ये देखो वो देखो ओके. फिर बाद में चला सब अच्छे ही हैं, सब हमारी भी बिचिंग कर रहे थे. तो फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी. उसके बाद जो बाकी कैरेक्टर्स ज्वाइन हुए हमारे शो में, ज्योति हर्षद करके हमारे पड़ोसी हैं, यामिनी दक्कू हैं, तो उनको लगता था हम खड़ूस हैं, हमको लगता था वो खड़ूस हैं. फिर पता चला कोई खड़ूस नहीं है, सब ऊपर का है. और अभी तो सब मतलब एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली. हम लोग एक ही रूम में, हाँ, एक ही रूम में रहते हैं. पता है कि इनका गुजारा ही नहीं होगा दूसरे के बिना. हाँ, मतलब वैनिटी हो, बाहर शूट हो तो भी वैनिटी में वंदना सखी. सिल्वासा में गए एक ही रूम, वंदना सखी, तो एक जोड़ी बन गई है हमारी. ये दोनों साथ में रहते हैं ना तो दोनों का दिमाग शांत रहता है. साथ में रखो. हम शूट के बाहर बाहर नहीं प्लान कर पाए क्योंकि हमें छुट्टी उतनी कम मिलती है. तो जब छुट्टी मिलती तो मैं अपनी जो असली औलाद है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताती. मैं भी मेरी फैमिली के कल्याण. बट हम लोग यहाँ पे पूरे टाइम लदे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमें ऐसा जैसा ये नहीं होता है. हमारा बॉन्ड ऐसा कि वी डोंट हैव टू टॉक. हमें बात हमेशा करते रहने की जरूरत नहीं, हम अपना साइलेंस. तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह जैसे हम दोनों आते हैं ना, तो हम दोनों का एक मॉर्निंग रूटीन है कि हमको बात करना अच्छा नहीं लगता. तो सुबह ना मैं गुड मॉर्निंग ज़्यादा बोलती हूँ ना ये बात करती है. तो हेयरड्रेसर्स को अक्सर लगता है कि हमारी ढमाई लड़ाई हो गई है. तो वो और फिर हमारा सुबह मेकअप हो गया, हम फ्री हो गए, उसके बाद हम नॉनस्टॉप बोल सकते हैं. तो वो हेयरड्रेसर सुबह की सब ठीक है ना आप दोनों का. अरे हम लोग कभी कभी वो एक्ट भी कर लेते कि हाँ कुछ है, कुछ हुआ है, बस अभी नहीं बात नहीं करनी है. बट वी अंडरस्टैंड एक दूसरे को टू द एक्सटेंट कि हम साइलेंस भी समझते हैं दूसरे का. मैं तो मतलब सच में ये मेरी माँ है, सब शेयर करती हूँ मैं. तो चिन्मयी जब शो शुरू हुआ था तब चिन्मयी अपना मेकअप नहीं करने को रेडी होती थी और मैं इसके पीछे पड़ी रहती थी कि अपना खुद का मेकअप करना शुरू कर, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो ऐसे सीख जाएगी. तो फाइनली पीछे पढ़ पढ़ के अभी मैडम इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि इनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई और कभी करे. कि मुझे राउंड मिरर ही चाहिए और अगर मुझे स्क्वायर मिरर दिखता है या रेक्टेंगुलर मिरर दिखता है तो मैं मेकअप ही नहीं कर सकती. Same with me, मुझे स्क्वायर मिरर चाहिए होता है, राउंड मिरर नहीं. अगर ये कभी उल्टा रखा गया तो ऐसे होता है नो. तो सेट पे भी मेरे सामने गलती से मेकअप वाले स्क्वायर मिरर लेकर नहीं आते हैं. उनका अच्छा उनको तो राउंड ही दिखाना है मिरर वो है. पर ऐसे क्यों, मतलब कुछ खास हो जाए? नहीं, एक कंफर्ट जोन, क्योंकि मुझे पूरा फेस एक बार में दिखना चाहिए वैसा है. एक साथ रहते हैं लेकिन हमारी अपनी अपनी भी यहाँ पे लाइक इसकी चेयर. हाँ, तो मैं इसकी चेयर पे बैठ ही नहीं सकती हूँ. ये मेरा स्पेस इसी तरफ है, उसका स्पेस इसी तरफ है, तो हमने इसे डिवाइड किया ये. हाँ, ये डब्बे का डब्बे से आपकी तरफ उसका है, इस तरफ मेरा उसका है. हाँ, मतलब जरा सीमा रेखा बता दी. हाँ, तो और हम नहीं घुसते दूसरे के डब्बों में. तो मेकअप पाउच के नाम पे भी मेरे पास चार पाउच है. एक मुझे बहुत जरूरी जो चीज लगती है वो ये है, ये मेरे पास होना ही चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं बनता. दो चार चीजें जो हमारे पाउच में हमेशा रहती हैं वो है मैक की चीजें. मैक का बेस प्रोडक्ट होता है जो कि आधे टाइम ये अगर जा रही होती है मॉल में तो यही खरीद के ला रही होती है हम दोनों के लिए. मैं पैसे दे देती हूँ. मैक महंगा है. और नेल पॉलिश हमारे टेबल पे हमेशा पाई जाती है. और बहुत सारे पफ पाए जाते हैं मेरे. तो मेकअप वाले ना मेरा हफ्ते भर का स्टॉक एक ही बार में धो के रख देते हैं क्योंकि मुझे रोज मतलब बात करने का शौक नहीं ना, तो वो डरते हैं कि अच्छा इनसे पूछने भी मत जाओ कि इनको क्या चाहिए. परिवार ही आधा टाइम तो शॉर्ट देख के आते और यहाँ पे नेल पेंट लगाने में उसका वो ही टाइम चलता है. मतलब मेरा यहाँ शॉर्ट के बीच में ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना ऐसे चिप नेल पॉलिश से बहुत दिक्कत है, लेकिन काम भी तो करना है.
हाँ, यहीं पे बैठी होती हूँ और मुझे कुछ लिखने का शौक है, तो मेरा आईपैड और कीबोर्ड रहता है मेरे साथ, तो नहीं तो अगर मेकअप का सारा सामान बंद होगा तो यहाँ कीपैड आईपैड रखा होगा और यहाँ पे मैं बैठ के लिख रही होंगी। और ये मैडम उस टाइम ऐसे फ़ोन पे भी बात कर रही होगी ना, ऐसे विस्पर में बात कर रही होती है। और क्या बताएं, हाँ तो हमारे रूम में लड़कियाँ अक्सर पाई जाती हैं, तो हम ज्योति आमिनी को इन्वाइट करते रहते हैं, तो वो हम चारों मिल जाते हैं तो फिर हम सारे लड़कों को साइड लाइन करके लोग पूरे लाइट्स ऑफ करके पार्टी भी करते हैं। हाँ, म्यूजिक चला के पागल वाला डांस करना। हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि अगर बॉटल खाली हो तो हम एक दूसरे की बॉटल भरवाते हैं, प्लास्टिक हम यूज नहीं करते हैं, सेट पे भी लोगों को यूज करने के लिए मना करते हैं। और अगर इसकी बॉटल खाली भी नहीं हो रही है, अगर तो भी ये भरवा देते हैं, तो मैं इसे डांटती भी हूँ कि आपने पानी नहीं पिया। हाँ, ये होता है। हाँ, पानी पी, पानी टाइम पे खाली होनी चाहिए, आई थिंक पानी पीना बहुत जरूरी है। और हम एक दूसरे को फ्रूट्स बहुत खिलाने की कोशिश करते हैं, एंड आवर फेवरेट फ्रूट इज मस्कमेलन, खरबूजा। तो हम दोनों वो एक हमारा अलग से हम दोनों का टाइम होता है कि वो फ्रूट सिर्फ हम ही दोनों खाते हैं सेट पे, और वो हम दोनों बैठ के एकदम से रिलिश करते हुए शांति में एंजॉय करते हुए खाते हैं, तो फ्रूट्स खाने चाहिए। एक्चुअली जोर से गाते नहीं है क्योंकि सुमित राघवन अगर किसी और को गाना बेसुरा गाते हुए सुनते तो मारने के लिए आ जाते हैं, पेटी लेके हाँ सर पे वो भी, तो हम इस सेट पे दहशत में रहते हैं थोड़ा। ये गाना हम एक दूसरे को डेडिकेट कर रहे हैं, गाना भी गाना पड़ेगा, रेडी? ये होता है हमेशा। हाँ, ओके, शुरू कर। तो आप करो, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। बस गालिया गालिया, अभी मारेगा। मत आवे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हमने नहीं गाया। रिश्ता रील का हो लेकिन प्यार इनका रियल वाला है। नाच गाकर फुर्सत के पलों को कैसे एंटरटेनमेंट में बदलना है, ये परिवा और चिन्मय को बखूबी आता है। देखिए, मेरे पिताजी एफओस में हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह रही हूँ, मेरे अंदर पूरे देश का थोड़ा थोड़ा वो क्या देशभक्ति बहती है। हाँ, बट वागले की दुनिया के बारे में इतना ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसी टीम है, इट्स अ ड्रीम टीम टू वर्क विथ। एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, टू आर स्टाफ, टू आर स्पॉट दादाज, हर कोई इतना जुड़ा हुआ है ना, शायद कोरोना की वजह से भी, क्योंकि हमने 2 महीने बाहर जाकर एक साथ बिताए, तो एक फैमिली का माहौल है। अगर यहाँ पे मतलब एक होता है ना, कहते हैं कि आप काम पे जा रहे हो और आपका मन ऐसा हो कि अरे वाह काम पे जा रहे हैं, तो आप सही काम कर रहे हो। तो वागले की दुनिया वही काम है जहाँ जाने का आपको सुबह सुबह उठ के मन करता। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि
घर में ऐसा होता है कि आज छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, तो हमें एक्चुअली छुट्टी नहीं चाहिए होती है। हाँ, क्यों दे रहे हो, लगाओ शूट लगाओ। सो यस, वागली की दुनिया इज अ ड्रीम टीम। हम एक्चुअली ना इसे सिर्फ सिस्टर के लिए ये नहीं कर सकते, फ्रेंड्स है, लड़ते झगड़ते भी हैं, बट फिर एक दूसरे को मनाते भी हैं, समझाते भी हैं, कम लड़ते झगड़ते, हाँ लड़ाई हार्डली दो बार होते, हम समझ जाते कि अच्छा आई थिंक उसको बुरा लगा, तो फिर हम खुद ही वैसे बिना सॉरी, मतलब अगर कुछ बाहर कुछ हुआ होगा तो पहले रोने के लिए, मैंने तो एक बार कॉल किया था, मुझे रोना आ रहा है, उस सीन में थी, मैंने कॉल करके परी हुई थी प्लीज रूम में आ जाओ मुझे रोना आ रहा है, तो उसने सीन छोड़ के वो भाग के आई थी रोने के बाद, आज हम दुखी हैं। और रीजन कुछ नहीं था, ऐसे ही मूड स्विंग्स, आई थिंक व्हेन यू वर्किंग सो मच तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बट टचवुड, बट ये ऐसा माहौल हो ना तो एक्चुअली और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जितने मैसेजेस, जितने गिफ्ट्स, जितना अप्रिसिएशन आता रहता है, वो अगर आप ये पता चलता है कि स्टोरी ने दिल को छुआ है, क्योंकि उस तरह के इसको टीनेजर्स जितनी लड़कियां हैं उनके मैसेजेस आते हैं, एंड व्हाट इज़ नाइस इज़ कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है आप जब अगले की दुनिया कर रहे हो, कि सही मैसेज दें, कुछ गाइडेंस दें हर स्टोरी से। इनफैक्ट जेडी सर, हमारा चैनल, टू एवरीबडी, सोनी सब, एक एक आदमी इज वर्किंग सो हार्ड, बिकॉज इतना आसान नहीं है इतनी स्टोरीज बनाते रहना, लेकिन हर कोई हर हफ्ते स्टोरी पे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, जूम मीटिंग्स होती है, नरेशन होगा, रीडिंग होती है, मतलब तीसरा साल चल रहा है, बट अभी भी काम को फर्स्ट डे की तरह ही किया जाता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड हमारे इवन फॉर द एक्टर्स टीम, इनफैक्ट everybody is sitting and reading and preparing, तो वो माहौल, आई थिंक वो हार्ड वर्क ऑल्सो मैटर्स, प्लस जो प्यार मिलता है ना उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है, तो कीप लविंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच। भाई वाकई वागले की दुनिया बहुत ही प्यारी दुनिया है, हंसता खेलता संसार है। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।